राम राम, नमस्कार। मैं राजीव अरोड़ा आज के लाइव शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लॉकडाउन सीरीज में समय चेंज किया, पहले 12 बजे दोपहर को रोज आता था, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया आप लोगों ने कि 12 बजे आप लोग लॉकडाउन में तो हो, लेकिन घर में रह के भी आप लोग ऑफिस के काम कर हो, वर्क फ्रॉम होम, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चेंज करा है अपना टाइम। आप लोग भी थोड़ा सा शेयरिंग कर लो और उसके बाद फिर आज की बातचीत शुरू करते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं। राम राम सोनिया जी, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है सभी जुड़े हुए लोगों का जो अपने साथ लाइव हैं अभी, और धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे ऐसी उम्मीद है। मैं अपने जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों के जितने हैं आप अपने टाइमलाइन पे शेयर करो। राम राम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। राम पूनम जी, पूनम जी आपका प्रश्न मुझे मिला था, लेकिन मैं प्रश्न पूरी तरीके से समझ नहीं पाया कि आप उसमें कहना क्या चाह रहे हो। थोड़ा सा अगर मुझे डिटेल आप बताओगे तो मैं ज्यादा आपकी शायद मदद कर पाऊंगा। जो आपने मेरे को प्रश्न भेजा था, डेट ऑफ बर्थ टाइम आप दोबारा डाल दो और फिर मैं देखता हूँ। लाइव सेशन में कोशिश ये होती है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको लिया जाए, और इस लाइव सेशन का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकता हूं, अगर आप लोग चाहो तो उसको आगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। जो लोग साथ में जुड़ गए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, काफी लोग आ गए, और सब्जेक्ट जैसा मैं हमेशा कहता हूं आप लोग सजेस्ट करो, मैं सब्जेक्ट आप लोगों के हिसाब से चूज करके उसी सब्जेक्ट पे आप लोगों से बात करूंगा। ऑकल्ट का कोई भी डायमेंशन जो है वो हो सकता है, ऑकल्ट में किस फील्ड में। प्रश्न साथ साथ लिखा करें पूनम जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन, ये सब एक साथ है ना। अभी तो चलिए शुरू शुरू में है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट कर रहा हूँ आपका। ये है 18/9/1986, 4:45 AM PM कुछ नहीं है इसमें, जयपुर का आपका जन्म है। AM PM बता दो और प्रश्न, फिर उसके बाद मैं आपका आंसर दूंगा। बाकी आज टॉपिक जो हर्षा सचदेवा जी, सिग्नेचर, सिग्नेचर पे पिछले दिनों बहुत बात करी है, और बहुत अच्छे हमारे सिग्नेचर के दो सेशंस जो हैं वो गए हैं। अभी तक हमने दो क्लासेस करी हैं सिग्नेचर्स के ऊपर, और हर क्लास जब खत्म होती है तो उसके बाद फिर से आ जाता है। AM PM नहीं लिखा पूनम जी आपने, उसके बाद फिर से आ जाता है कि सर हमें करनी थी, रह गई, तो वो रह जाने सीन है। उसके चक्कर में मैंने इस बार तो बहुत जल्दी क्लास करी थी, मतलब एक क्लास एक हफ्ता पहले ही करी थी, और थोड़े समय बाद ही मुझे दूसरी क्लास करने का मौका मिल गया।
और ठीक ठाक नंबर में लोग आ गए, हालांकि बहुत जल्दी थी। उसमें होता ये है कि जितने ज्यादा सिग्नेचर्स होंगे ना, उतना ज्यादा आपको समझ में आता है, और आपके सिग्नेचर से तो चलो जो है सो है, जितने ज्यादा लोगों के सिग्नेचर्स रीड करने को मिले और साथ साथ वेरीफाई हो, है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका प्रश्न मेरे पास नहीं है, 18/9/1986 आपकी पुत्री तो मैंने बन है। पूनम जी, आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, आपका जो, हाँ वो घर प्रश्न मुझे याद आ गया आपका, ठीक है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दो पूनम जी, आपका जो घर है और जो आपके घर के सामने का फर्श है, उन दोनों के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब आपका घर नीचा और सड़क ऊंची है, कुछ इस तरीके से है, या बेसमेंट वाला घर बेसमेंट वाला होगा या इस तरीके से होगा। हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और क्वेश्चन एक ही लाइन में डालें, अलग अलग लाइन में आप लिखोगे तो मुझे प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोग भी जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ो, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ता नहीं है। आपके घर में कुछ तो नेगेटिविटी है जो जमीन के अंदर है, और एक समय आएगा कोई ऐसा जिस समय में आपका सड़क नीचे है ना, एक समय आएगा आपके जीवन का जब आप किसी ऐसे घर में रहोगे जब उस घर में या तो बेसमेंट होगा, ठीक है, और या फिर कुछ इस तरीके का होगा कि आपके घर की सड़क ऊंची हो जाएगी और आपका घर नीचा हो जाएगा, लेवल जो है उसका वो नीचा हो जाएगा। उस समय में जो संकेत आपने दिए हैं ना, उस समय में आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। जब तक ये नहीं है तब तक आपका बचाव किसी ना किसी तरीके से होता रहेगा। जो बात आपने कही है वो ठीक है, आपकी पुत्री में वो साफ दिखता है, और आपकी पुत्री में आपके ऑकल्ट में आने के योग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, सीख सकते हो, बस थोड़ा सा ईमानदार रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। नमस्कार जी, सुनील आहूजा जी वेलकम। सुनील आहूजा जी, आप दूसरी क्लास में भी गायब थे, सिग्नेचर के बारे में तो बहुत बात हो गई, पिछले दिनों दो क्लासेस भी हो गई, और मैंने ये सोचा था कि क्लास जो है वो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे चलेगी, लेकिन दोनों क्लासेस 5 5 घंटे की कंटिन्यूएशन में चली है, मतलब एक बार बीच में 5 मिनट 7 मिनट का हमने सब लोगों ने ब्रेक लिया। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइन में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न लिखिए, अलग अलग लाइन में एंटर कर करके लिखोगे तो मैं आपका प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। संदीप जी प्लीज, माई हस्बैंड दीपक सचिव, डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो, मुंबई, परफेक्ट सिग्नेचर फॉर हिम। ऐसे नहीं होता, उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, ऐसे कैसे बता दूं? ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने, 8 घंटे 12 घंटे का कोर्स है पूरा इसके लिए, तो उसके बाद ही बता सकता हूँ। उसके लिए देखना पड़ेगा उनका समय क्या चल रहा है, उस समय में क्या सिग्नेचर होने चाहिए, क्या सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। आप अगर अपने सिग्नेचर समय समय पर बदलते रहते हो उसका भी बहुत मायने होता है, कई कई बार बदलना अच्छा भी है और कई कई बार बदलना बहुत बुरे संकेत भी देता है। जीवन में होने वाले परिवर्तनों को सबसे पहले अगर आप नोट कर सकते हो तो वो है आपका सिग्नेचर, अपने आप बदल जाते हैं समय बदलने के समय, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। सचदेवा जी ऐसे नहीं, आप इस तरीके से मत पूछो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे नहीं दिए जा सकते, उसके लिए तो कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी और आपको मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा, आपको मुझे कुछ दिखना है दिखाना है, वो सारी चीजें होंगी,
ना। संदीप भाटिया जी ने इतनी डिटेल मुझे जो दी है वो है 30/8/1985 और 2 बजे दोपहर का समय है आगरा। क्या करते हो सर अभी आप, और घर का नक्शा है कि नहीं है? ये दो चीजें मुझे साथ साथ आप लोग बता दिया करो तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तब तक मैं आपकी पोथी बना लेता हूँ। मैप है आपके पास? जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे टाइम बताया है वो 30 अगस्त 1985 बताया है, उस हिसाब से आपका जो कर्म बनता है जो आपको करना चाहिए है ना। कपड़े का काम आपके लिए बहुत बढ़िया सर, कपड़े का काम और एस्ट्रोलॉजी भी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। कपड़े का काम आपके लिए वैसे बेस्ट सूट करेगा, मिल्क प्रोडक्ट का काम भी कर सकते हैं, मिल्क स्पेशल। अगर आपने अपना काम करना है तो आप जो मैंने आपको बताया उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिकेत जी वेलकम। सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जिसमें एक सिंगल रेमेडी और बहुत आसान रेमेडी है, आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। सिग्नेचर की क्लास अगर ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो सिग्नेचर की क्लास जो है वो महीने में एक बार तो मैं कर सकता हूँ, जिस तरीके से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तरह लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, सब्जेक्ट की तरह इसको लिया नहीं जाता। अक्सर अगर कोई पढ़ाता भी है तो वो थोड़ा बहुत विद इन द लाइन विद इन द कोर्स एक सेक्शन होता है उसमें वो बता दिया जाता है। कोर्स की तरह इसको शायद पहली बार इतना सीरियसली मैं ले रहा हूँ। सोनिया जी का सवाल है, हरेश बलानी जी वेलकम, क्या हाल है? सोनिया जी का सवाल है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी है 12/6/1978, 31/30। नक्शा है आपके पास? मनी स्टक वाले जो क्वेश्चन है ना उनमें नक्शे की बिना नहीं काम चलता। जो पेमेंट रिकवरी वाले केसेस है ना उनमें बाकी चीजें इतना काम करती नहीं जितना वास्तु कर जाता है, इसलिए वो हो तो ज्यादा अच्छा। आजकल सब लॉकडाउन में, वाकई लॉकडाउन हुआ। सोनिया जी का प्रश्न है कि पेमेंट स्टक हो गई है,
पूरे टाइम के लिए नहीं हुई है, थोड़े समय के लिए हुई है, थोड़े समय में आपकी पेमेंट अपने आप आ जाएगी। पेमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न तो मुझे नहीं करे, आ जाएगी पेमेंट। हनुमान चालीसा का पाठ करो, पेमेंट आ जाएगी। नक्शा नहीं है तो यही बता सकता हूँ। नक्शा होता है तो बताना चीजें बहुत आसान हो जाती है। नक्शे के बिना इतने अच्छे रिजल्ट भी कई बार नहीं आते, क्योंकि हर विद्या का जो है एक लिमिट है, एक कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वहीं जाके फंस जाती है। एस्ट्रो वास्तु और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज के नए बैच जो है वो शुरू हो रहे हैं 3 तारीख और उसके आगे। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, आप एक ही लाइन में अगर लिखोगे तो ही मैं क्वेश्चन ले पाऊंगा। अगर आप अलग अलग क्वेश्चन लिखोगे एक एक लाइन, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। प्रणाम जी, राजीव जी कैसे हो? राजीव जी ने सिग्नेचर की क्लास करी थी, एस्ट्रो नहीं सिग्नेचर। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सब यहाँ मेरे साथ हैं और अपने प्रश्नों को, मैं आप कोशिश कर रहा हूँ लोगों के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके, लेकिन थोड़ा सा आप भी मेरा साथ दो। प्रश्न को पूछने का भी एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप पूछो तो अच्छा है, और जो शेयरिंग करेगा उसको मैं आंसर करूंगा। बिना शेयरिंग के आंसर मैं नहीं करूंगा। तो अपने टाइमलाइन पे आप मेरे इस लिंक को शेयर कीजिए और मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। जो इस वीडियो का लिंक है शेयर करने के लिए, वो मैं आप लोगों को यहीं पे कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। इसको आप कहीं पे भी शेयर करो तो वो इस से हमारे फेसबुक लाइव से कनेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी कमेंट सेक्शन में जो ये लिखा है, आप इसको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में पेस्ट करके डालिए, कॉपी पेस्ट करके, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो इस सब्जेक्ट में जिनका इंटरेस्ट है ना। प्रणाम जी, राजीव जी कैसे हो? हेमंत पटेल जी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे। एस्ट्रो में प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की क्लास जो है वो 3 मई से शुरू हो रही है। हफ्ते में एक क्लास होगी, 3 महीने का वो पूरा कोर्स है। जिन लोगों को ज्वाइन करना हो वो एनरोलमेंट करा सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मैसेज पे बहुत ज्यादा पूछते हैं वो अक्सर मेरे से निराश हैं, क्योंकि मैसेज में ज्यादा रिप्लाई करता नहीं, बहुत कम ही देखता हूँ, रेयर देखता हूँ। कभी मैंने मैसेज देख लिया और रिप्लाई कर दिया तो कर दिया, नॉर्मली मैं मैसेज पे रिप्लाई नहीं करता। अगर आपको वाकई में कोर्स के बारे में जानना है तो कॉल करिए मुझे। आप मुझे कॉल करोगे तो फोन मैं ही उठाऊंगा, मैं ही आपसे बात करूंगा। आप मेरे से बात करो और कोर्स के बारे में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और फेसबुक मैसेंजर पे, नॉन सीरियस लोगों की उसमें कंसिडरेशन में आता है मेरे लिए। मैं एक्चुअली इतना टेक सेवी नहीं हूँ कि मैं इतनी जगहों पे ज्यादा आंसर करूं, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग प्रश्न करें लेकिन कॉल करें, है ना। मुझे कॉल करिए, मेरे से बात करिए, उसमें क्या दिक्कत है। मेरा फोन मैं ही उठाऊंगा और ही नहीं उठाएगा, आप मेरे से बात कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं फोन नहीं आता हूं तो थोड़ी देर में मैं आपको कॉल कर लूंगा। राम राम जी, कल्पेश जी बहुत बहुत स्वागत सभी का। ये जो लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दिया है, इस लिंक को कॉपी करके आप अपने फेसबुक पेज पे पेस्ट करेंगे तो और भी लोग इस ग्रुप में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ पाएंगे। जितने ज्यादा लोग आते हैं उतना हौसला बढ़ता है, आपका भी मेरा भी। मेरा तो बहुत बढ़ता है जितने ज्यादा लोग होंगे, मेरा भी मन करता है कि चलो और कोई प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर करूंगा। लेकिन एक ही आदमी बार बार प्रश्न करता रहेगा तो वो बड़ा रिपीटेटिव सा हो जाता है, तो रिपीटेटिव में मजा नहीं आता। एक ही आदमी अपने पूरे की पत्नियां बार बार डिस्कस करेगा तो फिर क्या फायदा उसका।
आप लोग पूछिए, रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, चलिए आज हम अगली जो बात करते हैं वो करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। मैंने आप लोगों के साथ पूरी एक सीरीज की है जिसमें मैंने आप लोगों को एक नंबर से लेकर 9 नंबर तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनकी फीचर्स, उनकी टेंडेंसीज, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड और उनके हेल्थ सेक्शन पे क्या असर होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ी थोड़ी करके बात करी। जो लोग इसकी कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में मैं जो न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ वो कार्मिक न्यूमरोलॉजी में उसको बोलता हूँ, वो सामान्य न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा अलग है। और जो उसका एडवांस वर्जन है वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी है। जब तक आपकी परी साथ नहीं देती तब तक ये बताना मुश्किल है कि 6 नंबर आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 6 नंबर लगाना है नहीं लगाना है, 7 नंबर लगाना है नहीं लगाना, उसका जो निर्धारण है वो सिर्फ त्रिपत्री ही कर सकते। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वहां से देखेंगे। आमतौर से सामान्य जो है वो जब न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है तो उसमें मैं भी थोड़ा आराम से बैठ सकता हूँ। जो सामान्य जो न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है उसमें बहुत कम इस चीज का डिस्कशन होता है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं होती, ये शायद होती ही नहीं है। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा ये रहता है कि नहीं, जब तक आपको ये पता कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप कोई डिसीजन ले कैसे सकते। तो बिना एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसमें कोर्स में। और न्यूमरोलॉजी में आपको नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये समझने के लिए थोड़ा प्लेस करूँ मैं आपको, ये समझने के लिए ज्योतिष का ज्ञान हो ये जरूरी भी नहीं। बिना ज्योतिष के ज्ञान के भी नंबरों को सकारात्मकता नकारात्मकता के स्केल पे आप चेक कर सकते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि ये नंबर हमारे लिए सच में यूजफुल है या हार्मफुल है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैंने बहुत ही केसेस में देखा है कि जो बोल रहे थे 18 नंबर है तो गलत हो गया, 27 नंबर है तो गलत हो गया। सबके लिए कोई नंबर अच्छा या सबके लिए कोई नंबर बुरा नहीं होता। मेरी तो शुरू से फिलोसफी यही रही है, मैं एस्ट्रोवास को भी सिखाता हूँ तो उसमें भी यही जगह बात आती है कि नॉट सबके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, हो ही नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट आपका डिस्पोजल का प्लेस भी हो सकता है। जो लोग कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट डिस्पोजल नहीं होता या वहां पे डस्टबिन नहीं रखी जा सकती, ऐसा कोई नियम नहीं। जब आप इंडिविजुअल का वस्तु करने के लिए, सामान्य नियम ये ठीक है, सामान्य नियम में ये बात बिल्कुल ठीक है। बेसिक एक होता है बेसिक कि भाई सफाई होनी चाहिए, लेकिन जब इंडिविजुअल केस के बारे में डिस्कशन होता है तो फिर हमें पता लगता है कि कहाँ क्या होना चाहिए और कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जिसको समझना पड़ता है। तो यही फर्क आता है जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, यही फर्क आता है जब हम एस्ट्रो न्यूमेरो करते हैं। एस्ट्रो न्यूमेरो तो बिल्कुल ही हाईली अपग्रेडेड चीज है, वो तो जब तक आपको अच्छे से एस्ट्रो नहीं आती है तब तक शायद इतने अच्छे से समझना मुश्किल है। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कम से कम जो है वो जरूर आना चाहिए। लेकिन जो कार्मिक न्यूमरोलॉजी वाला जो सोच रहा हूँ मैं करने के लिए, उसमें एस्ट्रो नहीं भी आएगी तो भी आप इस इन चीजों को पकड़ पाओगे। मेरे हिसाब से इन चीजों को पकड़े बगैर न्यूमरोलॉजी करनी जो है वो पूरी तरह से शायद जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता उसका। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी चाहिए जब भी कोई न्यूमरोलॉजी करे तो इससे बहुत ध्यान रखें। कार्निमरोलॉजी के कोर्स की और एस्ट्रोनिमरोलॉजी के कोर्स की बहुत जल्दी जो है वो मैं डेट्स अनाउंस करने वाला हूँ। तो आप लोग अपडेट रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, पेज को लाइक करिए,
इसी पेज पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दिख रहे वो मिलेगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो जो भेज रहे हैं, जो जो लोग देख रहे हैं, वो सब मुझे फ्रेंड्स भेज के हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे हैं, ताकि मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं वो आप तक पहुंच जाए। YouTube चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube चैनल पे भी सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई प्रश्न हो पूछिए, आप अपना प्रश्न उत्तर डालिए अगर है तो, और नहीं तो फिर मैं कुछ और आप लोगों के साथ डिस्कशन करके आज का लाइव सेशन कंप्लीट करता हूँ। समय जो है हमारा लाइव सेशन का वो अब 6 बजे का ही रहेगा शाम के, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इसी का। डेट से भी अनाउंस होगी सर, डेट अनाउंस होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे ही डेट कोई सिग्नेचर क्लास आप 1 महीने बाद ही होगी, मतलब मई के या जून के फर्स्ट वीक। जो एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं जून फर्स्ट वीक में, फर्स्ट संडे ऑफ जून। व्हाट इज डिफरेंट एस्ट्रो एंड वास्तु? तो बिल्कुल ही अलग अलग सब्जेक्ट है। एस्ट्रो वास्तु और वास्तु अलग चीज। एस्ट्रो वास्तु आपका है, आपका सच है, आपके साथ आता है, वो आपकी जन्मपत्री बताती है। और वास्तु जो है वो बेसिक बेसिक वास्तु ये कहता है ईस्ट सबके लिए अच्छा है, दक्षिण सबके लिए बुरा है। एस्ट्रो वास्तु बताता है कि दक्षिण आपके लिए बुरा है कि नहीं है। हो सकता है आपको ज्यादा सूट करता हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो दक्षिण भूमान में रह के ही अच्छे हुए अपनी लाइफ में, उन्होंने जो कुछ पाया वो सारा दक्षिण मुखी मकान में आके पाया। जब तक वो पूर्व मुखी मकान में रह रहे थे, ईस्ट फेसिंग मकान में या नॉर्थ मकान में रह रहे थे, तब तक तो उनके हालात बहुत बुरे थे। लेकिन जैसे ही दक्षिण मुखी मकान में आए उनकी जिंदगी बन गई। तो वो बात कहाँ गई कि ईस्ट फेसिंग अच्छा होता है, साउथ फेसिंग बुरा होता है? एक ही घर रहने वाले दो भाई का जीवन अलग अलग, मकान एक, वास्तु एक, तो फिर दोनों के साथ अलग अलग क्यों? एक नौकरी का है, एक बिजनेस कर रहा है, एक कामयाब है, एक फेल हो गया, एक बहुत हेल्दी रहता है, दूसरा बीमार रहता है। सामान तो सब घर के लिए सेम ही है ना उसका, वो डिफरेंस कैसे पकड़ोगे? वो एस्ट्रो वास्तु पकड़ा पाया। बेसिक के लिए जो आप लोग कर रहे हो वास्तु ठीक है, बेसिक वही है, लेकिन हर चीज का एडवांस भी होता है ना। कोई भी कोर्स, कोई भी अपने आप में लास्ट नहीं है कि इसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कितना ही सीख लो, कितना ही सीख लो, उसके बाद भी आपको हमेशा सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता ही रहेगा, पूरे जीवन मिलता रहेगा, कभी पूरा होता ही नहीं। कभी किसी की कोई विद्या पूर्ण हुई है? हो नहीं सकती। पूर्ण सर वो है जो ऊपर बैठा हुआ है, उसके सब अपूर्ण है। कोई कितने ही कह ले ज्ञान है, मुझे ज्ञान है, तिनके ज्ञान है, टोकरे में तिनकी की औकात नहीं। है ना, तो इस तरीके से सब देखना पड़ता। ऐसा नहीं होता कि साउथ ईस्ट सब लिए एक जैसा है, नहीं होता। साउथ ईस्ट में अग्नि सब अच्छी हो नहीं है। साउथ ईस्ट में जो फायर होती है वो सबके लिए अच्छी होगी। आप बहुत बार जो है इस तरीके से कुछ भी घर में रख देते हो जो ला दो और उससे बाद में दिक्कत होती है ना। साउथ में जलता हुआ बल्ब सबके लिए अच्छा नहीं होता। साउथ ईस्ट में जलता हुआ बल्ब कोर्ट केसेस भी करा देता है, पैरों में दिक्कत भी दे देता है, घर में कुछ भी दे देता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब देता है।
साउथ ईस्ट का बल्ब सबके लिए अच्छा है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली वो किताबों में क्या लिखा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कोई क्या पढ़ा रहा है, वो मत मानो, कुछ मत मानो, जो है सामने उसको तो देख के मानो। नहीं, या तो मेरी बात मानो, बिल्कुल मत मानो, मैं कहता हूँ किसी की मत मानो, अपनी बुद्धि लाओ, अपने आप से आप एनालाइज करो कि जो आप देख रहे हो और जो आपने पढ़ा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। भाई थर्मामीटर लगाया, एक तो बुखार है, थर्मामीटर भी बता रहा है, शरीर भी बता रहा है, डन, थर्मामीटर ठीक है, थर्मामीटर बता रहा है 104, बुखार है नहीं आदमी को, तो क्या गलत है? नहीं, बोला हमने तो बस 104, हम उसी को मानेंगे, हम नहीं मानते बाकी कुछ। तुम्हें टेम्परेचर हो ना हो, तुम्हें बुखार हो ना हो, दिखता हो ना दिखता हो, थर्मामीटर 104 बता रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं ना, आप मिलाते हो ना दोनों चीजों को, तो मिलाओ, पूरी तरह से मिलाओ, जो है और जो दिख रहा है और जो किताबों में है या जो पढ़ा, किसी ने भी आपको, मैंने पढ़ाया है या किसी ने भी पढ़ा, उसको दोनों को मैच करके देख लो, मानो किसी जो इस तरीके से पढ़ा वो बहुत बढ़िया पढ़ जाता है, जो पढ़ता ही नहीं बोला मेरे को नहीं देखना, मैंने जो पढ़ा है अंतिम सत्य है दुनिया में, तो अंतिम सत्य तो के पास था, अंत तो भगवान कृष्ण के पास था, परमात्मा के पास है, उसके अलावा आपके पास है या मेरे पास है, तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब। अंतिम सत्य किसी के पास नहीं, अंतिम सत्य परमात्मा है बस, और कुछ ठीक है। चलिए, शाम को 6 बजे से अभी हमारा लाइन रहेगा और 6 बजे से ही रोज होगा। कल ने गैप हो गया, कल मैं कर नहीं पाया, किसी वजह से क्लास चल रही थी वो लंबी चली गई, इस वजह से बाकी दिनों में सामान्य कि 6 बजे होगा जब तक लॉकडाउन का समय चल रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे लाइव के अलावा कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन करो कि किस टॉपिक पे मेरे से जानना चाहते हो, किस टॉपिक पे नहीं, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, या कौन सा टॉपिक कम मेरी तरफ से जो मैंने बताया उसमें कमी रहेगी, वो भी आप मुझे बताओ। आप लोगों के सारे कमेंट्स जो है देखता हूँ, पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें से जितना भी मैं सजेशन की मान सकूँ, सुन सकूँ और अप्लाई कर सकूँ। हो सकता है सारी अप्लाई ना हो सके, लेकिन मैं सुनता मान। ठीक है, तो आप लोग लाइव में आते हो उसका बहुत धन्यवाद, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नंबर में लोग आए तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है। आप लोग अपने प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूं, इसीलिए आता हूं, है ना, एक ही प्रश्न बार बार। और अहूजा जी, जिस तरीके का आप पूछ रहे हो ना, इस तरीके के प्रश्न को देखने में बहुत समय लगता है, ये लाइव में 1 मिनट में नहीं देखा जा सकता। लाइव में जो है बहुत इमीडिएट वाले सवाल जो है उन्हीं के आंसर दिए जा सकते, पूरे लोग, कुछ ऐसे भी हैं हमारे चाहने वाले डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फ्यूचर, इतना करके मैसेज भेज के सो जाते हैं। अब मैं उनका फ्यूचर बता रहा हूँ, 1 दिन का तो है नहीं, अगले 20-30 साल है उनकी जिंदगी के, 40 साल तक बताता रहूँ, ऐसे नहीं होता ठीक है। इसी के साथ ही आज का ये सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से मिलेंगे शाम को 6 बजे आप सबसे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग हियर एंड राम राम।